हालेलुया। हम सब खुश हैं, आनंदित हैं, यीशु हमसे प्यार करता है। हालेलुया। आज हम आज़ादी की एक 78 वर्षगांठ मना रहे हैं। हालेलुया। 15 अगस्त को हम नहीं मना पाए तो आज मना रहे हैं, और ये हम सब मिल के मना रहे हैं। कितना अच्छा लगता है ना, अपने अपने घर से हम अपना उचित भोजन, अच्छा भोजन लेकर आए और मिल बांट के खाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एकता का प्रतीक है, ये यूनिटी का प्रतीक है कि हमारे अंदर एक यूनिटी होनी चाहिए, हम एक दूसरे को समझें। आमीन। हम एक दूसरे के स्वभाव को लें, एक दूसरे की पसंद को जानें कि आपकी पसंद क्या है, मेरी पसंद क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत जरूरी है हम सिर्फ अपने में ही सीमित नहीं रहें। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हम अपने में सीमित रहें, आज़ादी का मतलब ये है कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की पसंद को महसूस करें। आज हम कलीसिया में बैठे हैं, और ये जो कलीसिया है, कांग्रीगेशन है, हम एक कांग्रीगेशन है। कांग्रीगेशन का हिंदी में क्या मतलब है? समूह। हालेलुया। लेकिन अगर हम समूह बनकर रहेंगे तो हम उन्नति नहीं प्राप्त करेंगे। इसलिए जो चर्च है वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। चर्च जो है वो परमेश्वर की देह है। हालेलुया। देह का मतलब क्या है? कि हम एक दूसरे के अंग बनकर रहें। अगर हम समूह हैं तो हमें नहीं पता कि हमारे आसपास कौन बैठा हुआ है, गुजराती है, मराठी है, कौन है, गोरा है, काला है, लड़का है, लड़की है, हमको पता नहीं है, और ना ही आप जानने की कोशिश करते क्योंकि आप समूह में हैं। इसलिए यहां से गए, समूह बिखर गया। लेकिन जब हम यहां पर हैं, ये चर्च क्या है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये परमेश्वर की देह है, यीशु की देह है। इसका सर कौन है? यीशु मसीह। और उसके अंग कौन है? हम सब। तो हमें अंग बन के रहना है। जब हम अंग बन के रहेंगे तभी उन्नति आएगी। तो हम कलीसिया में आए अंग बनकर, ये ना आए कि गए कौन भाई है कौन नहीं है। कोई निर्बल है उसको हमें बल देना है, कोई हमारे पास हमारी बहन है, दुखी है, परेशान है, बीमार है, उसके लिए प्रार्थना करनी है। हमें अंग बनना है। और मैं आपको सच कह रहा हूं, ये करके देखिए, ये जो मैं चाय का सेशन रखता हूँ बाद में, सभा खत्म होने के बाद, इसलिए रखता हूँ ताकि चाय पीने के बहाने जो आपको समय मिलता है उसमें आप एक दूसरे का पूछिए कि आप कौन है, कहाँ रहते हैं आप। बहने बहनों से पूछें, भाई भाई से पूछें। कोई अगर आपको अपने दिल की बात बताता है, अपने दिल में रखिए, उसका मजाक मत उड़ाइए, उसके लिए प्रार्थना करिए। Praise the Lord। हम किसके लिए यहां पर हैं? प्रार्थना के लिए, प्रभु के लिए। हालेलुया। Praise the Lord। आज जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है बहुत ही उत्तम है। जो विषय आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं वो आपका जीवन बदल देगा अगर आप ईमानदारी से इन वचनों को सुनेंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं, अगर आप ईमानदारी से आज के वचनों को समझकर अपने अंदर उतारेंगे आपका जीवन बदल जाएगा, गारंटेड है। आपके घर में, आपके जीवन में शांति और आनंद हमेशा बना रहेगा। मैं आपको एक वादा करता हूं, लेकिन रिसीव आपको करना है, रिसीव आपको करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शीर्षक है कि शैतान कैसे आपकी प्रार्थनाएं जो पूरी होने वाली हैं उनको रोक लेता है। आपके जीवन में परमेश्वर कोई काम करने वाला है और शैतान कैसे उसको रोक लेता है। अगर आप ये आज जान गए तो आपके घर में आनंद, आपके जीवन में आनंद होगा कि नहीं होगा। आमीन। आज मैं आपको ये बताऊंगा,
कि कैसे परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है और कैसे शैतान अज्ञानता की अज्ञानता आपके अंदर अज्ञानता होने की वजह से शैतान आपके आशीषों को रोक लेता है और आप कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, बेबस होते हैं, संदेह में आ जाते हैं, अपना विश्वास खो देते हैं आप। हालेलुया, जानना चाहते हैं? हाँ के ना? आमीन। विश्वास के संग अपने बुद्धि को खोलिए, अपने ध्यान को लाइए इस वचनों में। ये वचन आपका जीवन बदलने वाले हैं, आज जीवन बदलने वाला वचन है आज, आज का बता रहा हूं मैं। ध्यान से अगर आपके पास कॉपी है लिखना शुरू करिए जो जो वचन मैं आपको बताता हूं। हालेलुया, नहीं तो ध्यान से सुनिए और समझिए। और मैं आगे अगले वीक में इसको रिलीज करूंगा यूट्यूब पे, इसको देखिए, एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार इसको सुनिए। जितना सुन सकते हैं आप सुनेंगे, उतना वचनों का सामर्थ्य आपके जीवन में उतरेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम कहाँ रहते हैं? जमीन पर। हम ब्रह्मांड को हमको देखते हैं, चांद सितारों को हम देखते हैं, देख सकते हैं ना, चांद सितारे सूरज को देखते हैं। हालेलुया, तो ये पहला आकाश हुआ। ईशु परमेश्वर कहाँ रहता है? तीसरे आकाश में। शैतान कहाँ रहता है? दूसरे आकाश में। और हम कहाँ रहते हैं? पहले आकाश में। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जो ये है आकाश है, ये इस समय आप देख रहे हैं, इस आकाश को देख रहे हैं, चांद को देख रहे हैं, सितारों को देख रहे हैं, सूरज को देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, पक्षियों को देख रहे हैं, बादलों को देख रहे हैं, ये पहला आकाश है यहां हम रहते हैं। दूसरे आकाश में शैतान रहता है और तीसरे आकाश में परमेश्वर रहता है। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। दूसरा कुरिन्थियन 12 का 2-3-4। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। Amen, amen, amen। इस वचन को समझने से पहले हम एक प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। जो वचन आपने मेरे मन में डाले हैं वो वचन मैं इन भाई बहनों को बताने वाला हूँ। परमेश्वर, अपना सामर्थ्य उड़े लिए, अपनी बुद्धि को उड़े लिए, समझ को उड़े लिए मेरे भाई बहनों के जीवन में। जब मैं ये वचन बताऊँ तो परमेश्वर इनकी समझ खुले, इनकी समझ खुले, कोई गलत विचार, कोई बेकार विचार, कोई बहकाने वाला विचार इनके अंदर ना आए। आपकी कृपा, आपका अनुग्रह इनके जीवन में बना रहे और ये वचन इनके अंदर काम करे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ इनका जीवन बदल जाए। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। आमीन, आमीन। हालेलुया, आमीन। आपने सुना कि यहाँ पौलुस अपने बारे में बता रहा है कि मैं कैसे एक आदमी को जानता हूं जो 14 वर्ष पहले तीसरे आकाश तक पहुंच गया था। हालेलुया, पौलुस भी मनुष्य था, परमेश्वर उसे तीसरे आकाश तक ले गया। सोचिए, वो चाहता है आपके जीवन में भी काम करना, वो चाहता है आपको भी दर्शन देना, परमेश्वर चाहता है। लेकिन हम अपने जीवन से, अपने संबंधों से, अपने रोज की रोटी से उठ ही नहीं पाते। हम वहीं रहना चाहते हैं कि आज की रोटी मुझे कितनी मिल रही है, कल कितना मिलेगा, मेरा बैंक बैलेंस कितना बढ़ गया है, वही है, वहीं से है। हम इससे ऊपर उठना ही नहीं चाहते, जबकि इससे ऊपर उठने में ही स्वर्ग है, इससे ऊपर उठने में ही परमेश्वर का दर्शन है। याद रखिए आप। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर पौलुस बताता है कि मैं तीसरे आकाश में, तीसरे स्वर्ग तक मैं पहुंच कर आया हूं, लेकिन वहां की बात बताना मनुष्य को मना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि जब शैतान को नीचे गिराया गया, वो कहां पर गिरा? दूसरे आकाश में गिरा। आइए मैं आपको बताऊं यशाया 14 का 12 और 13।
यशाया की पत्री, इजायक की पत्री 14:12-13 पढ़ी जाएगी। हे भोर की चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिरा गया है? आगे, तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सदा के पर्वत पर विराजूंगा। आमीन। घमंड था, लूसीफर को घमंड था कि मैं उस सिंहासन को स्वीकार कर लूंगा, वो परमेश्वर का सिंहासन मेरा है। घमंड सबसे बड़ा पाप क्या है? घमंड। कभी भी घमंड मत करिए, कभी भी घमंड मत करिए मेरे भाई मेरी बहन। परमेश्वर को घमंड बिल्कुल पसंद नहीं है। जितने आप दीन बन सकते हैं, नम्र बन सकते हैं, उतना अच्छा है। अभिमानियों से परमेश्वर घृणा करता है। याद है आपको याकूब की पत्री 4:6 पढ़िए, अभिमानियों से परमेश्वर घृणा करता है। जरा सा भी घमंड आपकी, आपको अपनी खूबसूरती पे घमंड आता है, प्लीज निकाल दीजिए। एक चेहरा आपने बनाया, अपना अपना चेहरा आपने रचा है, अपना गोरा रंग आप लाए हैं, अपनी आंखें आपने बनाई हैं, किस बात पर घमंड करते हैं आप? कभी भी नहीं। आप ऊंचे हैं, लंबे हैं, अपनी ऊंचाई पर घमंड करते हैं, किसने बनाया आपको? आपको बुद्धि दी है और आप 2,00,000 रुपए महीना कमा रहे हैं और आप घमंड करते हैं कि मैं 1,00,000 रुपए कमाता हूं? नहीं, घमंड नहीं। आपको काम आता समोसे बनाने का, तो आप घमंड करेंगे मुझसे अच्छा कोई समोसे बना नहीं सकता? नहीं, घमंड नहीं। पढ़िए 4:6, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। सोचिए, सोचिए, अगर आपका पड़ोसी आपका विरोध करेगा तो आप चौंक जाएंगे कि मेरा पड़ोसी मेरा विरोध कर रहा है यार। जब भी देखो मैं जो कहता हूं मेरे विरोध में बात करता है। फिर कहीं पता चला आपका पति विरोध कर रहा है और आप संकट में आ गए, आपका बॉस विरोध कर रहा है और संकट में आ जाएंगे कि आपका मेरा बॉस विरोध कर रहा है, जो मुझे पगार देता है जिसके अंडर, वो मेरे विरोधी हो गया है। लेकिन सोचिए, अगर आपको ये पता लगे कि वो परमेश्वर जिसने आपको बचाया है, जिसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान आपको दिया है, उसके आपको आपके लिए यीशु मसीह मरा और मर के जिंदा हो गया, वो आपके विरोध में खड़ा हुआ है, तो आपका क्या होगा? सोचिए, अगर वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान एल एलोही ब्रह्मांड का रचयिता, वो परमेश्वर अगर मेरे विरोध में खड़ा हो गया तो कोई बचा सकता है मुझे? और उसका खड़ा होना सिर्फ एक बात पर निश्चित है, वो है घमंड करना। घमंड करना, अरे मैं पास्टर हूं, मैं जो बोलता हूं सब लोग सुनते हैं और वाह वाह करते हैं, मैं बोलता हूं नहीं, कुछ नहीं हूं मैं, आई एम नथिंग। वो देता है और हम बोलते हैं, मेरी वजह से चर्च चल रहा है। कभी भी अपने अंदर मेरे भाई मेरी बहन, किसी भी पल किसी भी चीज के लिए घमंड मत करिए। परमेश्वर ने आपको मौका दिया किसी की सहायता करने के लिए, घमंड मत करिए। मत बताइए कि मैंने आपकी सहायता की थी। आपको परमेश्वर ने इस योग्य बनाया कि आप किसी की सहायता कर रहे हैं। घमंड मत करिए, क्योंकि परमेश्वर को घमंड पसंद नहीं है, वो विरोध करता है। तो यहां पर जो लूसीफर था उसका विरोध किया गया, और बाइबल में यशाया 14:12-13 में हमने पढ़ा कि किस तरीके से उसको स्वर्ग से फेंक दिया गया, स्वर्ग से फेंक दिया गया। अब वो कहां पर आ गया? दूसरे आकाश में। हालेलुया। अब ध्यान से समझिए इस चीज को, ये बहुत अच्छा गणित है। दूसरे आकाश में कौन है? मुझसे बात करिए, दूसरे आकाश में कौन है? तीसरे आकाश में कौन है? पहले आकाश में कौन है? हम।
अब जब हम पहले आकार से प्रार्थना करते हैं, हम यहीं से प्रार्थना करते हैं ना, किसके लिए करते हैं? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। किसके लिए प्रार्थना करते हैं? वो कहां पर बैठा हुआ है? हालेलुया। और तीसरे आकाश तक हमारी प्रार्थना इमीडिएट चली जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर इमीडिएट हमको जवाब भी दे देता है, लेकिन हमारे जीवन में कार्य नहीं हो रहा है। आज मैं आपको यही बताऊंगा, तीसरे आकाश से, तीसरे स्वर्ग से पहले आकाश में प्रार्थना क्यों नहीं पहुंच रही है, क्योंकि बीच में शैतान बैठा हुआ है। हालेलुया। बीच में कौन बैठा हुआ है? शैतान। वो आप तक प्रार्थना पहुंचने नहीं दे रहा है। आप सोचेंगे ये कैसे हो रहा है पास्टर, ये कभी हो सकता है? हुआ है। मैं आपको दानियल के पत्री पढ़ाऊंगा, दानियल के पत्री 9:20-23। दानियल एक नबी हुआ करता है जिसका नाम आप जानते हैं। वो एक बार प्रार्थना कर रहा था और बाइबल कहती है 3 मिनट के अंदर स्वर्गदूत उसके पास आया, जिब्राइल, और उसने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया। कितने मिनट में? 3 मिनट में। पढ़िए दानियल 9:20-23। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इसराइल और जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सान के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझा कर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तभी इनकी आज्ञा निकली। इसलिए जब तू गिड़गिड़ाकर विनती कर रहा था धरती पर, उसी समय परमेश्वर ने सुना और मुझे आज्ञा दी कि मैं तेरे पास जाऊं। 1 मिनट भी देर नहीं करता परमेश्वर। उसी पल लिखा हुआ है, जैसे ही दानियल ने प्रार्थना शुरू की, जिब्राइल दूत कहता है उसी पल मुझे स्वर्ग से आज्ञा मिली कि मैं तेरे पास जाऊं। yes. यही लिखा हुआ है। yes. हालेलुया। दानियल 9:20-23 में पढ़िएगा। प्रेज द लॉर्ड। अब दूसरा मैं पढ़वाता हूं, दानियल 10:12-14। पहली बार में इमीडिएट आ गया, अब देखिए दूसरी बार में जब वो प्रार्थना कर रहा था तो क्या हुआ उसके साथ। दानियल 10:12-14 पढ़िए, जोर से पढ़िए अच्छी तरीके से। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। और अब जिब्राइल दूत कह रहा है कि तू मत डर, मत, उसी दिन जब तूने प्रार्थना शुरू की थी उसी दिन तेरे वचन सुन लिए गए थे स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, लेकिन किसी ने मुझे रोका। पढ़िए आगे। और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया। आमीन। 21 दिन तक शैतान ने दानियल की प्रार्थना को रोके रहा, जवाब को रोके रहा। लिखा हुआ है कि तेरी प्रार्थना उसी समय सुन ली गई थी, जैसे तूने बोला परमेश्वर ने उसी समय प्रार्थना सुनी और उसका जवाब भेजा, लेकिन शैतान जो दूसरे आकाश में है उसने प्रार्थना के उत्तर को रोक लिया। तब मिकाएल दूत आया और उसने शैतान को हटाया और मेरा जवाब लेकर जिब्राइल दूत आया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक अहम बात क्या हुई यहां पर कि दानियल का जवाब अगर 21 दिन में नहीं आ रहा था, लेकिन वो रुका नहीं, वो निरंतर प्रार्थना करता रहा। आमीन। शैतान क्या चाहता है? शैतान का मकसद क्या है? आपको परेशान करना। शैतान का मकसद है आपके विश्वास को कमजोर करना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप देखिए इफिसियों 6:12 पढ़िए। इफिसियों 6:12 ध्यान से समझिए, आज का वचन आपका जीवन बदलेगा।
ये आज का वचन आपका जीवन बदलेगा, ध्यान दीजिए इफिसियों 6:12। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा जो ये मल्लयुद्ध है, हमारा युद्ध किससे है? अंधकार की उन शक्तियों से है जो आकाश में है, धरती पर नहीं है। क्योंकि वो आपका युद्ध लड़ रहे हैं, वो आपके जीवन में काम कर रहे हैं, वो आपको कंफ्यूजन की आत्मा भेज रहे हैं, वो आपके अंदर डर की आत्मा भेज रहे हैं, वो आपके अंदर संदेह की आत्मा भेज रहे हैं, वो आपका विश्वास कमजोर कर रहा है, वो आदमी जो दूसरे आकाश में है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? परमेश्वर ने जो आपके लिए जवाब दिया है उसको रोक लो, और कुछ नहीं कर सकता वो। उसने क्या किया दानियल के जीवन में? प्रार्थना के जवाब को रोक लिया 21 दिन तक। ये तो आपका दानियल था, इसको पता कि मैंने प्रार्थना की है, परमेश्वर मुझे जवाब देगा, इसलिए वो निरंतर प्रार्थना कर रहा था। लेकिन आप लोगों के संग क्या होता है, जरा सा प्रार्थना सुनाई नहीं हुई, एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, आप अविश्वास में आ जाते हैं, आपकी प्रार्थनाएं कम हो जाती हैं, आपका विश्वास कम हो जाता है, आपका संदेह आ जाता है, आप कभी कभी निंदा भी करने लगते हैं परमेश्वर की, कि अरे कि क्या परमेश्वर है यार, 4 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, ये परमेश्वर अंधा है या बहरा है या इसके हाथ छोटे हैं, अरे दूसरे पास्टर से बात करो, अरे कहीं और चलो। आप भूल जाते हैं कि शैतान की युक्ति है, शैतान की योजना है कि आप तक परमेश्वर का जवाब ना पहुंचे। और अगर आप निरंतर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अगर आप प्रार्थना में मजबूत नहीं हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप उस प्रार्थना का जवाब के लिए अपना छोड़ देते हैं कि चलो छोड़ो यार अब नहीं आएगा। जहां आपने बोला कि चलो छोड़ो परमेश्वर का अभी जवाब नहीं आने वाला, परमेश्वर से कुछ भी हम इच्छा करें या हम उससे कुछ हम ले, कोई मकसद नहीं, वो हमारे जीवन में काम करने वाला नहीं हो। जहां आपने ये बोला, प्रार्थनाएं चली गई वापस। मैन बाइबल क्या कहती है, हमारा विश्वास क्या कहता है, कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी है। आज मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्या बताना चाहता हूं मैं आपको, निरंतर। दूसरा थिस्सलुनीकियों 5:17, ये एक ही वचन है, आपको निरंतर प्रार्थना करनी है, और यह विश्वास के संग करनी है, जो मैं मांग रहा हूं वो मेरा पिता देगा, वो सर्वशक्तिमान है, वो एल एलोही है, वो ब्रह्मांड का रचयिता है, मैंने जैसे प्रार्थना की है उसने प्रार्थना सुनी है। आमीन। अरे जब वो आपके लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दे सकता है, जब यीशु मसीह स्वर्ग से आकर स्वर्ग से जमीन पर आपके 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 लिए मर सकता है, आपके लिए बलवान बलिदान दे सकता है, वो आपकी इच्छा को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा संदेह हो जाता है, हमारे अंदर संदेह आता है, कल भी नहीं हुआ, परसों भी नहीं हुआ यार, अपॉइंटमेंट होने वाला है जल्दी से यार, मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है, कि क्या हुआ, इससे भी प्रार्थना कराई, खुद भी प्रार्थना की, जवाब नहीं मिल रहा है, आप हताश होते हैं, और हताश में आप निंदा करने लगते हैं, आपका अंदर से विश्वास कम हो जाता है, आप संदेह करने लगते हैं कि हम चर्च में सही तो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। शैतान किसी को भेजता है, अरे भैया कब तक जाते रहोगे चर्च में, देखो क्या हो रहा है, कितने दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना हो गया, और हमारा विश्वास कम होता जा रहा है। ये कौन कर रहा है? शैतान। कहां बैठकर? दूसरे आकाश में। उसका कोई मकसद नहीं है, उसके पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन वो आपके पास जो परमेश्वर का संदेह है उसको रोक सकता है, उसको रोक सकता है। इसलिए बाइबल कहती है कि हमारा मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, आकाश के उन अंधकार की शक्तियों से है जो दूसरे आकाश में बैठी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।
इसलिए वचन क्या कहता है, याकूब की पत्री 1:2-3 पढ़िए, याकूब की पत्री 1:2-3 ध्यान से पढ़िए, यह वचन आपका जीवन बदलेगा मेरे भाई, मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप चाहते हैं आज कि आपका जीवन बदले इस वचन को लेकर जाइए, यह वचन आपका जीवन बदलेगा। कोई भी शैतान ऐसा नहीं है जो आपके जीवन में काम करे, शैतान हारा हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता है। बहन जो सो रही है आपके पास में उनको उठाइए, भाई जो सो रहे हैं आपके पास में उनको उठाइए, आज उनका जीवन बदलने वाला है। बाइबल क्या कहती है, यूहन्ना की पत्री क्या कहता है, पढ़िए बेटा। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरी आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज उत्पन्न होता है, हालेलुया। मैंने अपने परमेश्वर से मांगा, मुझे परमेश्वर देगा। मेरा विश्वास जब मुकम्मल होता है तो मेरा विश्वास कौन उत्पन्न करता है, किसे उत्पन्न करता है, धीरज को। बोलिए धीरज को, धीरज को, जोर से बोलिए धीरज को, धीरज को अपना काम करने दो, जोर से बोलिए धीरज को अपना काम करने दो। क्या काम कर रहा है धीरज, आपको पता है क्या काम कर रहा है, शैतान के चंगुल में जो आपकी प्रार्थना है उसको लेकर आएगा, वो उसको लेकर आएगा। आपने प्रार्थना मांगी अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, चंगाई के लिए, और परमेश्वर ने उस प्रार्थना को रिलीज किया, लेकिन शैतान ने रोक दिया, आपके पास पहुंचने नहीं दे रहा। अगर आप में बल है, आप में शक्ति है कि मेरी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, निरंतर प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, और जोर से, अगले दिन और जोर से, अगले दिन और जोर से, उससे अगले दिन और जोर से, कि मेरे पिता मेरी प्रार्थना सुनेगा। और अपने धीरज को बना के रखिए, अपने विश्वास को बना के रखिए, आपका धीरज शैतान से आपकी प्रार्थना खींच के लाएगा। शैतान हारा हुआ है, उसके पास कोई ताकत नहीं है, आपकी प्रार्थनाओं में शक्ति है। परमेश्वर मिकाइल को भेजेगा और आपकी प्रार्थना आप तक पहुंचेगी। अपनी प्रार्थनाओं में कमी मत लाइए, कमी मत लाइए। शैतान है जो आपको संदेह लेकर आता है, शैतान है जो आपके अंदर अविश्वास पैदा करना चाहता है। वो सर्वशक्तिमान पिता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, आपकी किडनी को बदल सकता है, पैरालिटिक अटैक को चंगाई दे सकता है, आपको मां बना सकता है इसी समय। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर का ज्ञान अर्जित करते हैं, ये ज्ञान है जो मैं आपको दे रहा हूं, ये परमेश्वर का ज्ञान है, जब हम उस ज्ञान को अपना बना लेते हैं ना, तो शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके पास ज्ञान है। शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा करने की कोशिश की थी, हार गया ना, क्यों, क्योंकि यीशु मसीह के पास ज्ञान था। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो रोटी को बोल, अपना पत्थर को बोल रोटी बन जाए, लिखा है। इंसान रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। आमीन। रहता है आज भी। प्रेज द लॉर्ड। अपने विश्वास को मजबूत करिए कि मैंने अपने पापा से कहा है, मैंने अपने पापा से कहा है कि मुझे जीवन दे, मैंने अपने पापा से कहा है कि मुझे चंगाई मिले, और मेरा पापा बहरा नहीं है, मेरा पापा इस संसार का रचयिता है। हमारी प्रार्थना करने में भी हमारा एक गर्व होना चाहिए। घमंड और गर्व में फर्क है, घमंड मत लाइए, गर्व करिए। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस 11:24। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। जब भी तुम प्रार्थना में कुछ मांगो तो प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो, मान लो कि वो तुम्हें मिल जाएगा और वो तुम्हारा हो जाएगा। मैं
आप चुने हुए हैं, आप मसीह हैं, आप स्वर्ग के अधिकारी हैं, आप उस पिता को जानते हैं जो सर्वशक्तिमान है, जो ब्रह्मांड का रचयिता है, उस पिता को जानते हैं, वो पिता आपको जानता है। संदेह हमारे लिए जीवन में संदेह कब आता है? जब जरा सी देर हो जाती है। हमने अपने बच्चे को भेजा कि चाय बनानी, मेहमान आए, शक्कर लेकर आ, और हमारा बच्चा 10 मिनट लेट हो गया, आधा घंटा लेट हो गया, एकदम हमारे मन में गलत ख्याल आते रहते हैं। सही ख्याल नहीं आएगा कि पता चला कि साहब राशन की दुकान में थोड़ी गर्दी हो सकती है, बच्चा पैदल आ रहा है, भीड़ हो सकती है। कभी भी हमारे जीवन में पॉजिटिव आंसर नहीं आएंगे। संदेह कौन सा आएगा? नेगेटिव। कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ होगा, कहीं उसके पैसे गिर तो नहीं गए होंगे, वो खेलता हुआ जा रहा होगा और उसके हाथ से पैसे चले गए होंगे, अभी चाय उबल रही है, मेहमान बैठे हैं, कि बेइज्जती नहीं हो जाएगी? अरे फोन करो उसे, यार कहाँ रह गया वो। 10 मिनट में, आधे घंटे में शैतान ने आपको हिला दिया, हिला दिया। अभी अभी आपने बच्चे को भेजा है, वो यहां गया है नुक्कड़ में, 15 मिनट लेट हो गया और आपको शैतान ने हिला दिया कि क्या होगा। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? अब सोचिए शैतान कौन है। क्यों? क्योंकि आप ऐसा संदेह का जीवन जीने के आदि हैं, क्योंकि आप शरीर में जी रहे हैं, क्योंकि आप शरीर का फल खाना चाह रहे हैं, इसलिए शरीर का जो फल है वो आपको संदेह के साथ मिल रहा है। आमीन। पहला योहन्ना 2:15-16 पढ़िए। तुम ना संसार से प्रेम ना करो और ना उन वस्तुओं से जो संसार में है। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि वो जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा और जीवन का अहंकार पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा, अगर आप शरीर की अभिलाषा और आंखों की लालसा में हैं तो आप संदेह ही लेंगे, संदेह ही आएगा आपके अंदर। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आपका विश्वास होगा, जिस दिन आप अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करेंगे, जिस दिन आप कहेंगे कि मैं आत्मा के बल से जिंदगी बिता रहा हूं, मुझे आत्मा में रहना है और आत्मा से परमात्मा को प्राप्त करना है, जिस दिन आप उस आत्मा के द्वारा अपने जीवन को चलाएंगे मेरे भाई मेरी बहन, उस दिन संदेह नहीं आएगा, उस दिन आपके अंदर विश्वास पैदा होगा और विश्वास बना रहेगा और विश्वास धीरज को उत्पन्न करेगा। आपने लड़के को भेजा है, आएगा। मैंने भेजा है तो आएगा, जवाब आएगा, लिखा हुआ है ना। यशाया 55:10 पढ़िए। यशाया 55:10 और 11, ये वचन ध्यान से सुनिए, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये वचन आपका जीवन बदल देगा आज का। ध्यान से सुनिए, सब्सक्राइब करिए लोगों को, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आगे, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, जिस तरह के से वर्षा आकाश से गिरती है और वही यू ही लौट नहीं जाते, और वही यू ही नहीं लौट जाते, आगे वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले के बीज और खाने वाले की रोटी मिलती है। आमीन। परमेश्वर क्या कह रहा है? जिस तरीके से आकाश से वर्षा गिरती है और भूमि पर गिरकर वो वापस नहीं लौटती है, वो उपजाऊ बनाती है भूमि को ताकि फसल लेकर आए, उसी तरीके से 11वां, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आमीन। परमेश्वर के मुख से जो भी वाणी निकलेगी, जो भी प्रॉमिस निकलेगा वह पूरा होगा। आमीन। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, यह परमेश्वर का वचन है।
Praise the Lord. जो उसके मुख से निकलता है वो पूरा होता है. इसलिए जब आप प्रार्थना करें तो विश्वास करें कि आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं जो ब्रह्मांड का रचयिता, जो मेरा पिता है. आपको पता है नई वाचा में आपसे प्रार्थना कौन कराता है? पता है आपको? पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा ही आपके अंदर बोझ देता है प्रार्थना करने का, और पवित्र आत्मा ही आपकी प्रार्थना को पूरी करने में परमेश्वर को सामर्थ्य, परमेश्वर का सामर्थ्य है वो आपके लिए सामर्थ्य है. आपको पता है? आप ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते. आप नई वाचा को समझिए. पवित्र आत्मा के अधिकार में जीवन बिताइए. निरंतर प्रार्थना करिए मेरे भाई मेरी बहन, निरंतर प्रार्थना करिए. जब तक आप निरंतर प्रार्थना नहीं करेंगे आप उस आशीष को नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि शैतान आपके जीवन में काम करता रहेगा. उसका काम ही है युक्तियां बनाता रहता है. आपको सही बुद्धि ना आए उसका काम है. आपको सब कुछ दे रहा है, बुद्धि नहीं दे रहा. क्या फायदा? आपका सब कुछ है, बुद्धि नहीं है. रोक ली उसने. क्यों? क्योंकि आप बुद्धि मांगते ही नहीं है और उसमें कामयाब हो जाता है वो. हालेलुया. आप नौकरी मांगते हैं, मुझे नौकरी दीजिए, मुझे नौकरी दीजिए, मुझे नौकरी दीजिए. आपको मिल जाती है आप निरंतर अगर प्रार्थना करते रहेंगे. लेकिन आपकी बुद्धि उसने रोक ली, समझ उसने रोक ली कि जहां भी नौकरी करे इसको समझ ही ना आए, जहां भी ये काम करे इसको बुद्धि ना हो. अपने घर को संभालने के लिए बुद्धि उसने मांग ली. आपके घर को संभालने के लिए बुद्धि चाहिए ना. आप अपने घर को ही नहीं संभाल पा रहे, दुनिया को संभाल रहे हैं आप. इसलिए आप सक्सेस नहीं है, सफल नहीं है. और घर में सफल नहीं है, घर में आनंद नहीं है. पैसा है, सब कुछ है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, क्योंकि घर को संभालने की बुद्धि शैतान ने रोक ली है. हेलो, शैतान ने घर को संभालने की, परिवार को संभालने की, बच्चों को संभालने की बुद्धि रोक ली है. अब आपको बुद्धि क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि आप वो बुद्धि मांग ही नहीं रहे. आप उस बुद्धि के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं. आप प्रार्थना कर रहे हैं धंधे के लिए कि कल मैंने 1000 कमाए थे, आज 2000 कमाऊं, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए. कल मुझे पेट में दर्द हो रहा था, आज सिर में दर्द हो, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं. आप बुद्धि मांग ही नहीं रहे कि मैं अपने जीवन को चलाने के लिए मुझे बुद्धि दे, सही रास्ते पर चलाने के लिए मुझे खरा मन दे. इसलिए शैतान रोके हुए. परमेश्वर ने बुद्धि दे दी, लेकिन दूसरे आकाश में शैतान ने रोक लिया. चल देख ले, कर सर्विस, कर बिना बुद्धि के, धंधा कर बिना बुद्धि के. और जब बिना बुद्धि के अपने ऑफिस में जाते हैं सफल नहीं होते, शांति आती है, क्या करूं. फिर प्रभु से मांगते हैं कि परमेश्वर मेरी इंक्रीमेंट हो जाए, फिर भी आप बुद्धि नहीं मांग रहे. आप समझ रहे हैं? क्योंकि अपनी बुद्धि और दूसरे का पैसा हमेशा ज्यादा लगता है. सामने वाले को लगता है बुद्धि तो मेरे पास है लेकिन पैसा आंटी के पास. इनका सूट अच्छा है, पैसा होगा इनके पास, पर्स भी बड़ा इनके पास. अपनी बुद्धि और दूसरे का पैसा. मुकेश अंबानी को अभी भी अपना पैसा कम लगता है. रोज आ जाते हैं ऐसा, मेरे शेयर लगाओ, मेरे शेयर पे लगाओ, मेरे शेयर पे लगाओ. आज इसका इतना प्राइस, जियो का आज इतना प्राइस, अभी भी उसको पैसा चाहिए. अभी भी उसको लगता है मेरे पास कम पैसा है. बुद्धि नहीं है. आमीन. हमें बुद्धि मांगनी है. सुलेमान ने क्या मांगा था? बुद्धि मांगी थी. और परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया था. हम बुद्धि नहीं मांगते. परमेश्वर तुझे जानने की बुद्धि दीजिए, तेरे वचनों को समझने की बुद्धि दीजिए. मैं खुद को समझूं, मैं गलत दिशा में तो नहीं चल रहा हूं, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूं. मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे समझ दीजिए. अपने आप को एनालाइज करने की बुद्धि मांगिए कि क्या मैं सही हूं, मैं सही दिशा में चल रहा हूं, मैं चल रही हूं कि नहीं चल रही हूं. बहुत जरूरी है. मैं सही संगति में हूं, परमेश्वर मुझे बताइए, एनालाइज करिए. मैं सही संगति में हूं कि नहीं हूं.
मेरा पड़ोसी सही है, मैं सही बात कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ? एनालाइज करिए अपने आप को, कहीं आपके मुंह से गलत बात तो नहीं निकल रही है? शैतान कहीं आपके मुंह को गलत तरीके से यूज तो नहीं कर रहा है? हालेलुया। शैतान हमारे लिए, हम बुद्धि मांगते ही नहीं। बाइबल में लिखा हुआ बुद्धि मांग, परमेश्वर तुझे बुद्धि देगा। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो वो परमेश्वर से मांगे और उसे दे दी जाएगी। पांचवा, यदि। लेकिन शैतान आपको हमेशा भरमा के चलता है, आपके अंदर संदेह की आत्मा, आपको बेवकूफ बनाता है शैतान। अरे तू परमेश्वर का बंदा, तुझे सब कुछ आता है। शैतान चाहता ही नहीं कि आप में दीनता आए, आप घमंड से भरे रहें। अपने चेहरे को देखकर आपको लगे कि आप ही हैं बस दुनिया में सबसे खूबसूरत, और कोई है ही नहीं। यस, यही शैतान का मकसद क्या है? जो परमेश्वर को पसंद नहीं वो आपके अंदर आ जाए। परमेश्वर को अभिमानी लोग पसंद नहीं है, घमंड लोग पसंद नहीं है, और शैतान आपको किसी ना किसी रूप में घमंड देना चाहता है, इसलिए वो बुद्धि देना नहीं चाहता। छोटी छोटी बात में आप में घमंड आ जाएगा, आप में ईगो आ जाएगा। अरे मैं गाती अच्छा हूं यार, क्या है ये पास्टर ऐसे ही बोलते रहते हैं? अरे मैं दान दशांश देता हूं भाई, चर्च मेरे हिसाब से चल रहा है। किसी ना किसी रूप में घमंड। लेकिन अगर आप में बुद्धि आएगी तो आप जानेंगे कि मुझे किस तरीके से रहना है, मुझे किस तरीके से चलना है, मुझे कैसा व्यवहार करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन चालों को समझिए, ये जो वचन है आपका जीवन बदलने वाले हैं मेरे भाई। ये वचन आपका जीवन बदलने वाले हैं, आपकी गरीबी दूर करने वाले, मैं बता रहा हूं। अगर इन वचनों को आपने समझ के ले लिया ना, आप अपने पैसे के लिए कभी नहीं रोएंगे। आप मांगेंगे और परमेश्वर का आशीष आपको मिलेगा। मांगिए, निरंतर मांगिए, विश्वास से मांगिए कि मैंने प्रभु से मांगा और मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा। दो दिन, तीन दिन, चार दिन, दस दिन, बारह दिन, पंद्रह दिन, होने दीजिए। मैं मांग रही हूं, मुझे मेरे पिता से मिलेगा। मैं जान गई हूं कि दूसरे आकाश में कौन रहता है, और वो शैतान रोक रहा है, कोई बात नहीं। और क्या चाहता है परमेश्वर? मांगो। बोलते रहो, मांगते रहो, विश्वास के संग मांगते रहो। आज आपने बोला कि साहब मुझे प्रभु देगा, दूसरे दिन और विश्वास के संग, तीसरे दिन और विश्वास के संग कि मुझे मेरा मिलेगा, आशीष मिलेगा, मेरी चंगाई मिलेगी, मैं कर्जों से मुक्त होंगी, मैं मां बनूंगी। मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं? पिता से मांग रहे हैं। वो नहीं दे सकता? दे सकता है। वो कंजूस है? नहीं है। उसके हाथ छोटे हैं? नहीं है। वो ब्रह्मांड का रचयिता है, वो मेरा पिता है। निरंतर मांगिए, रोज मांगिए, जब तक वो आपको देना दे मांगते रहिए। आज मैं आपको चाबी दे रहा हूं, मेरी बहन, मैं आपको चाबी दे रहा हूं। मांगिए, परमेश्वर तुझे ताकतवर बनाना चाहता है, परमेश्वर तेरे जीवन में काम करना चाहता है। शैतान तेरे अंदर संदेह ला रहा है, अविश्वास लेकर आ रहा है। इस संदेह को और अविश्वास को, मेरा प्रभु मेरा साथ है, मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है, उसने मुझे पापों से बचाया है। जब वो मुझे पापों से बचा सकता है, परमेश्वर मुझे स्वर्ग का उत्तराधिकारी बना सकता है, तो ये चीजें परमेश्वर के लिए क्या कम है? वो मुझे स्वर्ग का उत्तराधिकारी बना सकता है तो क्या मेरी बीमारी दूर नहीं कर सकता? मेरे कर्जे दूर नहीं कर सकता? हेलो, उसके लिए कुछ भी कम नहीं है। आज का वचन आपका जीवन बदल देगा, मैं बता रहा हूं, आज का वचन आपका जीवन बदल देगा। विश्वास के संग लीजिए, विश्वास के संग लीजिए, आजाद हो जाइए इन चीजों से, संदेह से आजाद हो, या विश्वास से आजाद हो। ना, कोई संदेह नहीं, शैतान हट, मेरी बात मेरे पिता तक पहुंच गई है, वो आएगी। जब भी प्रार्थना करें तो ये विश्वास करें कि आपका पिता जो है वो बहरा नहीं है। यशाया 59 का एक पढ़िए, यशाया 59 का एक और दो।
सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि वह सुन न सके। आगे, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको हमारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। एक मिनट, पहला वचन क्या बोलता है कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, परमेश्वर बहरा नहीं है कि तुम्हारे काम पूरे नहीं कर सके। दूसरा क्या बोलता है, क्योंकि तुम्हारे अधर्म के कामों ने उससे अलग कर दिया है। आपका अधर्म क्या है पता है? आपका अधर्म क्या है? अविश्वास करना, इंतजार ना करना आपका अधर्म है। परमेश्वर के उत्तर का इंतजार ना करना आपका अधर्म है। अविश्वास करना आपका अधर्म है, संदेह करना आपका अधर्म है। हेलो, जानते हैं आपका अधर्म क्या है? अविश्वास करना, संदेह करना, इंतजार ना करना आपका अधर्म है। वो दे सकता है, उसके हाथ छोटे नहीं है, वो बहरा नहीं है। आपने बोला और उसने सुना। इसलिए जब भी कोई कहेगा जैसे आप 15 दिन से आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी प्रार्थना पूरी नहीं हो रही, बोलो मेरे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, जवाब आने वाला है और मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूं। जवाब आने वाला है, इंतजार करिए जवाब का। अरे जश्न मनाइए, जश्न मनाइए। इसीलिए क्या है याकूब की पत्री 1:2 में कि जब भी तुम परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो। आमीन, खुशी की बात समझो। आज मैं परीक्षा में आई हूं, हालेलुया, आज मेरा पिता मेरे सामने होगा। आमीन, आज मैं अपने पापा से मिलूंगी, उससे बोलूंगी मुझे ये जरूरत है, और बिना कुछ भी समय लगाए मेरा पापा मुझे दे देगा। ये विश्वास होना चाहिए, मैं अपने पापा से मांग रही हूं। ही इज माई लव, ही इज माई डार्लिंग। यस, यीशु मसीह ने डरना भुला दिया है, अभी हमको डरना नहीं है। पुरानी व्यवस्था थी डर की, अभी अनुग्रह की व्यवस्था है, हमें डरना नहीं है, हमें सामना करना है। पापा मुझे जरूरत है, सिर्फ बोलना ही है और कुछ नहीं करना है। वो चाहता कि हम बोले, वो चाहता कि हम बोले। भजन संहिता 139:4 पढ़िए, भजन संहिता 139:4 देखिए। आज ये वचन आपका जीवन बदल देगा, ये वचन आपका जीवन बदल देगा पूरा। देखिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। भजन संहिता 139:4, हे युवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी तरह से न जानता हो। आमीन, आमीन। आगे, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। आमीन, आमीन। हालेलुया, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे मुंह पर जो तू नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है। आमीन। अपने पिता को अपनी नौकरी के लिए मत भूलिए। अरे भाड़ में गई ऐसी नौकरी, मेरा परमेश्वर मेरे लिए पहले है, नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौकरी। दुनिया आपके पीछे भागेगी, आप परमेश्वर के पीछे रहिए। अरे अदनी सी छोटी सी नौकरी मुझे परमेश्वर से दूर करेगी? तूने क्या कह रहा है वो कि मैंने तुझे आगे पीछे से घेर रखा है। आपको पता है जब आप घर से निकलते हैं ना तो परमेश्वर का सामर्थ आपके आगे पीछे होता है। आपको पता है वो आपकी इच्छा पूरी नहीं करेगा। आपको पता है उसने आपको आगे पीछे से घेर रखा है और अपना सामर्थ आपके ऊपर रखा हुआ है। उसकी आत्मा से छूटकर कहां जाएंगे आप? इसलिए मेरे भाई विश्वास करिए, जो मैंने मांगा है वो मुझे मिलेगा। मेरे और मेरे पिता के बीच में संदेह नहीं आएगा, मेरे और मेरे पिता के बीच में अविश्वास नहीं आएगा, मेरे और मेरे पिता के बीच में कोई भी निंदा नहीं आएगी, कोई भी अविश्वास नहीं आएगा। मेरा पिता मेरा संरक्षक है, मेरा पिता मेरी ज्योति है, मेरा पिता मुझसे प्यार करता है, वो मेरी हर इच्छा को पूरा करेगा।
अरे मैं पिता से मांग रहा हूं, सर्वशक्तिमान से मांग रहा हूं, नौकरी नहीं मुझे मिलेगी, आप में कुछ कमी है, परमेश्वर में कुछ कमी नहीं है, पिता में कुछ कमी नहीं है, हम में कमी है। अपने आप को देखिए, अपने आप को निरीक्षण करिए कि मैं कहां कम हूं, मैं क्या परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहा हूं, मैं क्या परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहा हूं। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहे हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन अगर आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है परमेश्वर, तो आपकी गलती है, आप ना कहीं दोषी हैं, आप कहीं ना कहीं परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहे हैं। अरे ठट्टों में उड़ा रहे हैं। बाइबल कहती है जो बोगे वही काटोगे, उसको मान दीजिए, पहला स्थान दीजिए, सुबह उठते ही उसके चरणों में आ जाइए, एक एक वचन को लेके जाइए, कुछ भी हो संसार के मत बनिए, संसार पर में। पहला योना 2:15-16 पढ़ के रखिए, संसार के मत बनिए, वो पसंद नहीं है, आप संसार में चल रहे हैं, परमेश्वर को पसंद नहीं है। पढ़ लीजिए पहला योना 2:15-16। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम ना तो संसार से और ना संसार में इसकी वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, क्योंकि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ये सोच लीजिए, सोच लीजिए आप, अगर आप संसार से प्रेम करते हैं तो पिता का प्रेम उसमें नहीं है, यानी कि पिता आपके साथ नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं, यदि आप संसार से प्रेम करते हैं तो आप पिता का प्रेम खो बैठे हैं, पर परमेश्वर का प्रेम उसके साथ नहीं है, आपके साथ नहीं है। यदि आप संसार से प्रेम करते हैं, लिखा हुआ है, हाँ, काम करिए संसार में, प्रेम मत करिए। प्रेम क्या है कि बिना संसार के आप रह नहीं पा रहे हैं। पैसा मेरे लिए पहला है, संसार मेरे लिए पहला है, मेरी नौकरी, मेरा धंधा मेरे लिए पहला है, हर हट परमेश्वर पहला है। हालेलुया, आमेन। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा, आमेन। परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है, परमेश्वर को ठट्टों में मत उड़ाइए। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, दीन बनिए, नम्र बनिए और उससे डरिए और निरंतर प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना सुनेगा और उसका उत्तर देगा। प्रभु आपको आशीष दे। आज का वचन आपको अच्छा लगा, ग्रहण किया, बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।